तो 15 अगस्त ने मैंने निर्णय लिया भी ये बहुत ही सख्त जरूरत है। जो आज महापंचायत थी इसमें एसडीएम साहब ने कह दिया भाई मैं 10 दिन के अंदर ये चार पट्टी का दोनों साइड चार चार पट्टी का रोड बना देंगे। घोड़ा कला में महापंचायत की शुरुआत में लोगों के आने की शुरुआत में ही काफ़ी लोग जो है यहाँ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं इस महापंचायत में चलने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं और महापंचायत में जिस तरीके से मुस्तैद हैं लोग यहाँ पर, उसी तरीके से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और महापंचायत में किसी प्रकार का विघ्न ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से महापंचायत में अपनी मांगें रखी जाएँ। महापंचायत की रैली निकालने के लिए गांव घोड़ा कला के स्कूल में लोग मुस्तैदी से तैयार हो चुके हैं, मुस्तैद हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण के अंदर लोग ही लोग, भारी संख्या बढ़ती चली जा रही है और यहां से कूच करने को तैयार हैं। गांव हनुमान मंदिर में पंचायत में जाते हुए स्कूल के सामने शांति प्रिय वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। फोटो आना चाहिए भाई। I'm
आपके अध्यक्ष के लिए नाम नॉमिनेट करें। सभी सरदारों को हमारे यहाँ पहुँचने पर राम राम। मैं मास्टर महावीर बिलासपुर की तरफ से घोड़ा कला और बाहर दूर दराज से जो हमारे जितने भी सरदार आए हैं सभी का यहाँ बिलासपुर की पावन भूमि पर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो आज जैसे सपने विजित है कि भाई हमारी पंचायत की प्रक्रिया शुरू होती तो हमें पावनी के प्रधान राजेश बाबू को हमारा अपना और आप सबका समर्थन से अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपना समर्थन दे भाई आगे भाई सबने मंजूर है। ये पहोड़ा बावनी की अध्यक्षता में ये पंचायत की जा रही है तो राजेश चौहान जी हमारे बीच में मौजूद हैं तो इनका अध्यक्ष होना भी वाजिब है तो सबने समर्थन कर दिया। अब राजेश जी से अनुरोध है कि सभी भारतवासी भारत माता की गोद में बैठकर और उस जायज आंदोलन को कर रहे हैं जिसकी हमारे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत जरूरत है। और दूसरा इस पंचायत को रखने के लिए जिस शुभ दिन का इंतजार था उस दिन का आगाज 15 अगस्त को घोड़ा कला गांव ने घोड़ा कला की पावन धरा पर रख दिया था कि भाई इलाके में बहुत बड़ी समस्या है जब देश आजादी 15 अगस्त को ले सकता है तो हम इस महाजाम की आजादी भी घोड़ा कला की पावन धरा पर रखकर 15 अगस्त को लेने का मन बना लिया था घोड़ा कला वासियों के साथ सभी सांसद राम की सरदारी ने। आज मैं हमारे क्षेत्र के सभी 108 गांव की आई हुई सरदारी का दूर दराज से आए हुए सभी खापों के प्रधानों का और हमारे देश की एकता अखंडता जो हमारे छत्तीस समाज से बढ़ती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नारे से बढ़ती है उन सभी को मैं नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। आज की महापंचायत में मुद्दा तो आप सभी को पता ही है कि हमारा जो क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ जा रहा है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आए दिन हमारे गांव के कोई ना कोई भाई हमसे जुदा हो रहा है और आए दिन स्कूल के बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। उन सभी से छुटकारा पाने के लिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने इस महापंचायत का आंदोलन रखा और जब 15 अगस्त को देश आजाद आंदोलन से हो सकता है तो इस महाजाम की समस्या का भी छुटकारा इस आंदोलन से हम लेके रहेंगे। ये हमें पूरा भरोसा ही नहीं पूरा विश्वास है क्योंकि सरकारें समाज से होती हैं, समाज कभी सरकारों से नहीं बनता और सरकार बनानी है सरकार का कोई काम है वो समाज के पास आए समाज किसी के पास नहीं जाएगा इसलिए आज ये शादी भी हमारी बिलासपुर की पावन धरा ने कर दिया है। अब पंचायत की आगामी कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वप्रथम तो मन संचालन के लिए आवश्यकता है तो उसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे अनिल भदौरिया जी घोड़ा कला से, श्यामवीर चौहान जी घोड़ा कला से, महावीर सरपंच साहब पथरेड़ी से, लक्ष्मी नारायण मास्टर जी राठीवास से और नरेश फौजी जो इनका सहयोग कर रहे हैं भाई घोड़ा कला से ब्लॉक समिति के। आप सभी से निवेदन है कि पूरी पंचायत की कार्रवाई को मंच के माध्यम से सुचारू रूप से और अन्य प्रशासन को शासन को सबको अपनी शांति प्रिय ढंग से अपनी आवाज रखनी है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो भी जिस भी दल से आ रहे हैं पंचायत को केवल अपना समर्थन दे अपने विचार रखे तो केवल
उस समस्या पर विचार रखे, जिस समस्या से हम परेशान हैं उसे निजात कैसे पाया जा सके उस पे समस्या पे विचार रखे। किसी भी तरीके की कोई भी राजनीतिक बात इस पंचायत में नहीं होगी। मैं आप सभी से सहमति मांगता हूँ इस बात के लिए, क्या मैं इस बात के लिए ठीक हूँ कि पंचायत में किसी तरीके की राजनीतिक बात ना हो। तो इस पंचायत में जो भी आए, जिस भी दल के आए, उन सभी का हम स्वागत रखेंगे, लेकिन पंचायत में केवल केवल समस्या को दूर करने के लिए जो भाई अपने विचार रख सकता है वो पास आकर मंच पर, भाई नरेश मोदी बैठा है, एक एक भाई आकर अपना नाम लिखवाए और नाम लिखवा के उसका नाम हमारे मंच संचालक बोलेंगे, तभी वो अपनी बात रखे, उससे बीच में कोई भी ऐसे खड़ा नहीं होगा। आप सबसे कभी भी इस तरह का आंदोलन जब होता है तो परिस्थितिवश होता है। तो हम वजीरपुर 12 से आए हैं और अपना समर्थन देते हैं। क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण है? अगर इस कारण के बारे में जाएंगे तो मेरा सुझाव इतना है कि जो सरदारी आई है इनमें से 21 या 11 आदमियों के सदस्य बनाए जाए, कमेटी बनाई जाए और कमेटी हमारे सांसद महोदय, जो हमारा बड़ा ही हक है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री साहब भी हैं, वो भी भली भांति इस समस्या से परिचित होंगे। मैं गांव चमादरा से संबंध रखता हूं, गांव चमादरा आपके सम्मुख हमेशा खड़ा रहे। हमारा आदमी अपना नाम नहीं लिखवा सकता, यदि कोई बोलना चाहे तो बगैर नाम के भी बोल सकता है। बताओ भाई सही है गलत है? जैसा कि देख रहे हजूम को देखकर खुशी हो रही, पर कोई विडंबना है, पर सरकार की आंखें कब तक ना खुलेगी? कितने समय से यह अधूरा पड़ा कार्य और इसके लिए हमें संघर्ष करना, संघर्ष हमारा शौक नहीं, संघर्ष हमारा शौक नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। ये बहुत बड़ी पंचायत है और बहुत बड़ी समस्या के समाधान के लिए है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने इस समस्या को नहीं समझा। यहाँ से ये कोई एक छोटा सा वैसे गांव का क्रॉसिंग नहीं था, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे क्रॉस करता है और दोनों तरफ व्यापारिक गतिविधियां बहुत ज्यादा है, औद्योगिक संस्थान बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कई हजार गाड़ियां पर डे आती हैं, कई हजार कर्मचारी पर डे आते हैं, एक रोड से दूसरे रोड में क्रॉस करते हैं। हमें बड़े दुर्भाग्य से बहुत से कर्मचारियों को, अपने भाइयों को खोना पड़ता है सिर्फ सरकार की लापरवाही से। ये सरकार की लापरवाही कभी आज हमारी एकता से जाग रही है। ये सरकार के लिए दुर्भाग्य है कि उनके किसी भी अधिकारी ने, किसी नुमाइंदे ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यहाँ की समस्या है उसको हमने हल किया जाए। यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों से लाखों करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है, उसके बावजूद भी अगर जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए पंचायत करनी पड़े तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आवाज पाता की हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भी। बात के बाद आपको कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा। एक सुझाव आया है कि एक हम समिति का गठन करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नन, सबकी जिम्मेवारी का मतलब ये किसी की जिम्मेवारी नहीं होती है। तो अपन एक समिति का गठन करें और समिति ये मांग करे, कम से कम डीसी यहाँ आए, कम से कम डीसी को यहाँ बुलाए, इससे कम नहीं, इतने
अच्छी संख्या में जो लोग आए हैं ये सब बधाई के पात्र हैं। दूसरी मेरी ये बात है कि हम अपने नेतृत्व पर विश्वास करें। तीसरा, इसको हिंसक ना बनाए। यदि आप हिंसक बनाओगे तो सरकार जो है वो लाइन रोड का नाम लेकर के अपना काम करती है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लेते। जरा नहीं रहा मेरा पता सारा सामाजिक जीवन का अनुभव है। हम इकट्ठे क्यों हुए? सिर से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरियां, सिर से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरियां, तो अमन पसंद लोग भी बगावत की बात किया करते। वो कहते कि एक घंटे में या तो किसी यहाँ आ जाए वरना हमें विवश होकर के कठोर कदम उठाना पड़ेगा। उसके लिए शासन और केवल इतना ही और इस सबके लिए दैनिक कुर्बानी भी देनी पड़े तो कोई संकोच की जरूरत नहीं। क्या हुआ कर मिट गए, क्या हुआ कर मिट गए? अपने वतन के वास्ते बुलबुले कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। जय भारत जय। हमारे बीच में नकल सिंह टिकोपरिया, नरेंद्र पहाड़ी जी भी पहुंच गए, इनका भी स्वागत है। एक बार जोरदार ताली से। ये जो महापंचायत रखी गई है, स्कूल बनने जा रहा है, पहले बात तो ये 20-25 साल में बनना शुरू हुआ है और ये तुरंत ही बंद हो गया। बावड़ का पुल जो इनके साथ बनने जा रहा है वो लगभग 50% बन चुका है। कापड़ीवास का बन चुका है और ये जो सबसे जरूरी पुल था आज तक नहीं बना है। और सरकार के आंकड़ों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हर साल लगभग 294 आदमी बावड़े मरते हैं इस एक्सीडेंट की वजह से और लगभग 150-200 आदमी यहाँ पर एक्सपायर होते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार से भी, पंचायत के माध्यम से भी, अभी को सुचारू रूप से जल्दी जल्दी चालू कराया जाए। मैं हेली मंडी की तरफ से हमारे भाई छेत्री जी भी आए हुए, व्यापार मंडल के प्रधान भी आए हुए हैं, मैं उनकी सबकी तरफ से आपको आश्वासन देता हूँ कि हम सब आपके साथ हैं। तन मन धन से जय हिंद। अभी मेरे से पूर्व मेरे बुजुर्ग ने कहा कि एक फ्लाईओवर बनना रहा, उसको NHAI बना रही हो, केंद्र सरकार बना रही हो, बनाना हो उसके विलंब के लिए आज हमें इकट्ठा होना पड़ रहा है। ये बहुत शर्म की बात है, चाहे कोई भी सरकार हो, चमकीदी किसी भी सरकार से जुड़े हो। मैं एक एक साथियों से कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी से जुड़ रहे हो, लेकिन जब हक की लड़ाई आती है और समाज की उपेक्षा होती है तो हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए कि हमारे समाज की मांग क्या है, हमारे क्षेत्र की मांग क्या है। यहाँ हर 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 पार्टी के लोग बात हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जिस समय जो सरकार है उसका काम करने का दायित्व तो बनता है और उनके जब लेट होती ये बात काम पूरा टाइम पे नहीं होता है तो हमें खेद भी प्रकट करना। और ये फ्लाईओवर ही नहीं साथियों, हम सब बात कर रहे हैं फ्लाईओवर की, फ्लाईओवर तो बनवाएंगे ही और फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा सरकार को तुरंत जल्दी से जल्दी। लेकिन अब आप यहाँ से आए हैं बिलासपुर चौक के पास, अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी भाण भी क्या स्कूल जाती है, या कोई आता है जो पैदल आ सकता है क्या? आप बताइए कोई पैदल आ सकता है क्या? तो हम फ्लाईओवर के साथ साथ हमारी जो ये पानी भरने की समस्या ये क्यों नहीं पूरी हो रही, ये हमारी जल्दी जल्दी फ्लाईओवर के साथ भी पूरी होनी चाहिए। साथियों आपने जो आज एकता दिखाई, क्योंकि ये समस्या खाली बिलासपुर भोड़ाकला नजदीक गांव की नहीं है, आप देखेंगे कुल्लाना से आते हुए, ताउड़ू से आते हुए लोग वहां यहाँ फंसे रहते, लोगों की जान चली जाती है। चाहे जयपुर से दिल्ली जा रहे हो, लोग बाग हार्ट अटैक से या बीमारी के कारण वो जाम में फंस जाते, उनकी डेथ हो गई और उस जिस कारण से हो रही है उस मांग को हमने मांगना पड़ रहा है। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये बात भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि प्रशासन के लोग बात भी होंगे, छायाकार बंधु भी हैं, कि ये महापंचायत तब तक डीसी साहब यहाँ नहीं आएंगे और हमारा कब से चारवे दिन से फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं होगा जब तक ये पंचायत उठने वाली नहीं है। ये पंचायत एक घंटा का टाइम देना चाह रही है और एक घंटा का टाइम दे रही है। अभी क्या टाइम होता टाइम क्या? 11:30। अब 11:30 हुए हैं, हम 12:30 बजे तक डीसी गुड़गांव को यहाँ जाते हैं और वह पंचायत में आए और हमारी समस्या का समाधान करें।
अभी एक तो बात बताओ, इनको मना के भेजते हैं, क्या ये सो रहे हैं? अरे किन्होंने बनाया? एमपी बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, अभी एक दो महीने पहले बनाए हैं। और फिर बोलते हैं गडकरी मेरा दोस्त, वो बोलता है मोदी मेरा दोस्त, कोई बोलता है मेरा गडकरी अपना जिसका नाम ले उसको बोले मेरा बड़ा भाई मित्र, वो मित्र कहाँ है वे? अरे जहाँ का पुल नहीं बनना चाहिए था वो सबसे पहले बना। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर ये बात हमारी ना सुने ना तो मैं इनके शीशा भी दिखा लूँ, कोई जरूरत नहीं हमें। क्या बात हुई? बहिष्कार करना चाहिए इन लोगों का। अरे देखा कर बोलने जाते हैं और बाद में कह देते अबे मेरी बात नहीं मानना, भाई क्यों नहीं मानते इनकी बात? आपके दोबारा अगर आएंगे हम कोई दुआ पूछेंगे इनसे अगर पब्लिक क्या करना चाहती है। मैं इंद्रजी से और एमएलए साहब से कहता हूँ आज और रिक्वेस्ट भी कर रहे हो समाज की तरफ से हमारी बात को आगे तक पहुँचाए और आप अगर आगे लेके जाएंगे ना तो जरूर मेरी बात। सबको मेरा नमस्कार। बात है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, एक सामाजिक मुद्दा है जिसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास की क्या कोई जाति होती है? विकास का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है कि एक जगह हो गया दूसरी जगह ना हो, या इस जगह हो गया या इस जगह वो लोग ऐसे नहीं हो, ऐसा होता कभी नहीं। विकास का तो कोई कलर भी नहीं होता, कोई रंग रोगन भी नहीं होता, कोई जाति भी नहीं होती, कोई एरिया भी नहीं होता, वो सारे का सारा विकास तो सबके लिए है। जो भारत की सरकार है, हरियाणा की सरकार है या जो भी, ये सारी की सारी सरकारें तो पब्लिक के लिए होती, पब्लिक के लिए ही काम करती है, पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। जहाँ पब्लिक है, जहाँ एक भी आदमी है, आखिरी आदमी तक विकास की हवा पहुँचनी चाहिए। और ये जो फ्लाई ओवर जिसके लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, आज मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं पथरीले गांव में मेरा जाना हुआ, लोगों ने बताया कि यहाँ पर 50 तो एक्सीडेंट हो चुके हैं। इस जिंदल फैक्ट्री के सामने से निकलना मुहाल है, रात के टाइम में तो यहाँ से वैसे नहीं निकल सकते, पता नहीं लगता पानी के नीचे क्या है, पत्थर है, गड्ढा है, क्या भी। मेरा कहने का मतलब कि इसको इतना डिले करने की कोई वजह नहीं है, तुरंत इस पे काम शुरू करना चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी एक समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद सर साहब। हमारे बीच में पटौती बार एसोसिएशन की टीम आई हुई है, उनके अध्यक्ष श्रीमान विशाल चौहान जी अपनी टीम के साथ आए हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे गौशाला के प्रधान भाई श्रीपाल जी ने कहा कि भाई राव इंद्रजीत सिंह और जरावता जी ने हमारी अपील करनी चाहिए। मैं उनसे कहूंगा कि उन्हें इस पंचायत में आना चाहिए, अगर वो हमारे साथ बैठ जाए, उनकी नहीं सुनी जाती तो सुनी जाएगी, आज ही सुनिए। दूसरा मेरा ये कहना है कि ये मौत का चौक है, मौत का चौक है। मैं कितने बच्चों के, जवान बच्चों की मुर्दनी में गया हूँ जो इस चौक पे मरे। किसी ने सरकार ने नहीं आज तक लिस्ट बना रखी, हमने लिस्ट बना रखी है। कम से कम इस 20 साल में जब से ये रास्ता बंद हुआ है 8-10 हजार मौतें हो चुकी हैं इस चौक पे। मेरा बच्चे का भी एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, यहाँ पे कभी सुनी नहीं जाती। ये मौत का चौक है, दोनों साइडें क्लियर होनी चाहिए, दोनों साइडें क्लियर नहीं है। ये काम तो आज ही कर सकते हैं, कम से कम जनता को रास्ता तो साफ मिले। फ्लाई ओवर बनाया नहीं है, बंद करे 20 साल हो गए, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष में भाई हमें बनिए, हम जिस तरह से साथ हो सकते हैं उस तरह साथ हैं। हमारे पूरी व्यापार मंडल आया हुआ है, आपको और मेरा इन अपने नेताओं से है कि हमारे साथ बैठ जाओ, कल ही बनना शुरू हो जाएगा फ्लाई ओवर। 2014 से पहले बनना शुरू होना था लेकिन बना नहीं, ये आगे कापड़ीवास बन गया। पतगांव चौक है वह भी बहुत ज्यादा दिक्कत है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मौतें हो गई है। आपको पता है पिछले मंगलवार को एक राजेंद्र कुमार जो भिवाड़ी से अंबाड़ा जा रहे थे, वो राखीवास गांव के अंदर फंस गए, उनकी कार 2 घंटे नहीं निकली, वो उसकी मौत कार में हो गई। इसके जुम्मेवार आप कहते हो राजनीति ना करो, लेकिन हमारे नेता लोग क्या करते हैं? इन्होंने आज तक एक रोड नहीं बनवाया। गडकरी जी जो रोड के हमारे मंत्री, वो इतने समझदार, इतने अच्छे हैं, वो एक मिनट में रोड को तैयार करवा देते हैं। सभी कहते हैं वो बनेगा, हाँ जी हाँ जी हाँ भर देते हैं, लेकिन इस रोड को क्यों नहीं बनाया आज तक? ये पुल है, इसको आप देख लो कहीं भी, गुड़गावा से चलोगे खेड़ की डोला तोड़ ले रहे हैं, जबकि
दस साल पहले इसका समय पूरा हो चुका था, पैसे इन्होंने पूरे कर लिए थे, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। कहते सरकार में पैसे जाते हैं, पब्लिक लेती है, ये है नहीं पता लगा। और जितनी ज्यादा मौतें होती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो मेरी तो यही उम्मीद है, जो आज की आपने जो पंचायत रखी है ये बहुत बड़ी पंचायत है और इसका कोई ना कोई नतीजा। रोड जाम करने के लिए पंचायत नहीं है हमारा, यहाँ इकट्ठा होने का एक मकसद है। आज हमारी पंचायत घोड़ा बावली के अध्यक्षता में है, इसके बाद झांसा 360 के अध्यक्षता में पूरे देश की पंचायत होगी, उसका समय लिया जाएगा। लेकिन रोड जाम करने की कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आगे हमारी कमेटी जो भी निर्णय करेगी वो बातें होगी, जो भी होगी, ठीक है। कोई भी अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगा तो वो खुद जिम्मेवार होगा। हमारी पंचायत इस मामले में कोई वो जिम्मेवारी नहीं लेगी अगर ऐसे को, ठीक है। भाई बात तो घनी हो गई और चेयरमैन पे जो लोग वापिस बात कही, चेयरमैन को कहने को मस्तक भी ठीक तो कुछ हद लग रही। राजनीति की बात नहीं कहूंगा, कहीं कभी जुड़ना चाहूंगा ऊपर बैठा कर उनके भाई कहने संकोच नहीं। इंद्रजीत कभी पांच पर गया, हम पांच छह सरपंच मिल मिल गए, हमारे आई महीने एक दो मोड होती रहती है, राजपुर चौक पर कितनी भारी भीड़ रहती है, ले दिल्ली तक जयपुर तक ये तो हमारा बाला गांव जाते का हमारी वोट ले लेते हैं और हमें कहते भी नहीं, लू कहते हैं आइए तो बेकूफ जाते। जो चेयरमैन साहब ने बात कही थी कच्ची गलत ना कही थी, रोड भी काम करना पड़ेगा, प्रशासन से लड़ना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल लड़ना पड़ेगा। इस बात ना पैसे मतलब हम तो जिम्मेवार बोला, जिम्मेवार ये सब रहेंगे, अब लड़ना भी पड़ेगा, रोड भी काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। और राजनीति तो होगी इसमें, जो राजमुखा उसके खिलाफ बात नहीं होगी और वो नहाने भी पड़ेगी लोगों ने, कोई गलत बात ना की चेयरमैन साहब ने, भाई रोड काम करना पड़ेगा, सलाह करके करेंगे, जो सबकी सलाह होगी रोड भी काम करना पड़ेगा, रोड करेंगे, गिरफ्तारी देने की गिरफ्तारी देंगे, इस बात का वो खोले वही नहीं करेंगे, बिना मांगे वो कुछ नहीं देता जी। और इतिहास गवाह है, जिसने खोज कैसे उसी ने मिले आज, जिसने खोज कैसे उसी ने मिले आज तक, बिना खोजे कोई किसी नहीं देता जी। माँ भी चुच्ची ना पे माँ भी चुच्ची नहीं पाती जी, जो हम अपने हक खोज रहे और जो खोजना पड़ेगा, अगर राज्य से मिलता तो कितने साल होगी जी, 2014 से कार्यों को पढ़ना चाहिए था, कितने साल होगी आप बताओ। अगर हम राज्य बैठे तो हम मान लेते, हम बहुत संयमशील है, नरम आदमी है और कैसे बढ़ती बात नहीं बढ़ती जी, तुम हम अपने घर बैठे थे ऐसे हम घर बैठे थे जी, क्या तो क्यों इकट्ठा होने की। जो समाज फैसला करेगा रोड दाम करना पड़ेगा, रोड दाम करेंगे, गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, गिरफ्तारी देंगे। और प्रधान जी आवाज बारे में बात का हो अगर जो करना कड़े से कड़ा फैसला लड़ा वो लेंगे। इस बात के लिए सभी का धन्यवाद। तो आप यहाँ पूछे अपने विचार रख सकता है और राजनीति की बात ये नहीं कही कि भाई कोई पार्टी का जयकारा यहाँ लगाए, बात वो रखे चाहे वो राव साहब से हमारे गांव के लोग मिलने गए हो इस समस्या को लेके, चाहे प्रजेंट विधायक से मिलने गए हो और चाहे किसी अधिकारी से मिलने गए हो, उन बातों को रखने के लिए कोई रोक नहीं है। जब तक बताया गया नहीं समाज को तो समाज समझेगा कैसे। बिलासपुर कमेटी ने काफी सालों के संघर्ष से, चाहे वो सेंटर के मंत्री हो चाहे हमारे लीडर हो, सबसे मिलके डीसी साहब से मिलके सबसे मिलके इस बात पे बार बार प्रयास करा और उस प्रयास का विफल होने का कारण उसका काम याद है सबसे ज्यादा बिलासपुर गांव भुगत रहा है। आप सभी बिलासपुर गांव को जानते भी होंगे, अंदर जाके देखो गांव स्वर्ग होता है, लेकिन इस हाईवे के कारण इस पानी ना निकलने के कारण बिलासपुर गांव को नरक का रूप दे दिया है इस प्रशासन की नाकामियों ने और सरकार की नाकामियों ने। और राज का विद्रोह होता है, अगर राज में इतनी शक्ति है कि राज तुरंत उस काम को कर ले तो आज हमें लोगों को जनसभा में इकट्ठे होने की जरूरत नहीं थी। सभी अगर हमारे नेता इतने ही अच्छे होते तो लोग रोड पे फूलमाला लेके खड़े होते कि भाई उन्होंने अच्छे काम करे। आज लोग जनता परेशान है, क्षेत्र परेशान है, इसलिए इकट्ठा हुआ है। और मेरी सीआईडी के साथियों से और अधिकारियों से एक निवेदन है,
कि 12:30 बजे तक डीसी साहब को कृपा करके यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं कि भाई आए और हमने ज्ञापन दे रहे हैं नितिन गडकरी जी के नाम, उसको लेके जाए और पंचायत की लड़के की आवाज को नितिन गडकरी साहब तक पहुंचाने का काम करे। हाथ जोड़ के डीसी साहब से निवेदन है, अगर डीसी साहब नहीं आते तो उसके लिए आगामी जो भी कार्रवाई पंचायत जैसे भी सभी के सहयोग से बात होगी उसको हम करेंगे, चाहे कोई भी बात हो इसको हल्के में ना लिया जाए। सीधी बात है, और जब हमारे गांव की सरकारी हमारे गांव के इलाके के मौजीदान हमारे युवा साथी सभी इकट्ठे हो रहे हैं तो एक डीसी साहब को आने में इतनी परेशानी होनी नहीं चाहिए। केवल उनसे एक सुझाव है कि भाई वो आए और अपनी बात रखे। वैसे जब यह आंदोलन की बात चली थी तो हमें प्रशासन ने बुलाया और बोले कि जी हम 48 घंटे में, आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि 48 घंटे में इस समस्या से हम छुटकारा ले देंगे, और 36 घंटा तो ऊपर तो हो गया, अब तक तो छुटकारा मिल रहा है। अगर मिला है तो आप बता दो। तो सीआईडी वाले हमारे जो भी साथीगण बैठे हैं उनसे हमारा निवेदन है कि हमारी बात पंचायत की बात को वहां तक पहुंचाने का काम करें और वो डीसी साहब आए और अपनी बात रखे करके हमने एनएचआई को ये कह दिया है और इतने दिन में हमारे क्षेत्र की जो 2015 से मांग चली आ रही है, आपको बता दूं फ्लाईओवर 2015 में पास हुआ था, 2022 के अंदर काम जैसे चला तो 2024 अक्टूबर में फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाना था। इस हालात से हो जाएगा क्या पुराना पूरा काम इसका? तो डीसी साहब आए ये सारी बातें समझाएं और तभी हम पंचायत को आगे के लिए रोके हैं। यदि डीसी साहब नहीं आते हैं और इसमें कोई परेशानी आती है तो हम आगामी कार्रवाई पंचायत के रूप में झारसा 360 की अध्यक्षता में पूरे देश की पंचायत बुलाकर बिलासपुर चौक पर बैठने का काम करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि इस रास्ते से तो सभी गुजरते हैं और हम भी गुजरते हैं, इसका काम होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। बता दी राजनीति होगी, राजनीति के बिना क्या मिलेगा? तो 14 में 7 केंद्र पास हुआ था और 10 साल से यहाँ से मुख्यमंत्री भी गुजरे हैं, एमपी साहब जी मंत्री जी भी गुजरे हैं, किसी की रूह नहीं जानी। क्यों? आप लोगों में तंत्र नहीं था, जो आज तक दिखाया है कि पहले दिखाना चाहिए था हमने, चलो ले जाए दुष्ट आए। मैं अध्यक्ष होते से एक ही निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे जो निर्णय किसी आए अन्य सही आए ना आए यहीं पे निर्णय लेकर जाकर अभी क्या करना है क्या नहीं करना है जो सदे करो कभी मुझ होगा। मेरे से पहले उत्तर ने सारी वोट मिलवा दी है लेकिन फैसला आज ही करने जागला कार्यक्रम क्या होगा जल्दी जल्दी होगा। मैं इसका समर्थन देने वाला श्री मोदी जानों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इतनी ज्यादा तादाद में और इतने अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति आज एकत्रित हो रहे हैं, इस बात का फैसला कोई न कोई लेकर तभी उठेंगे। ऐसा नहीं है कि भी भाग लो से कोई बात नहीं पड़ेगी। यहाँ कमेटी बनाई जाए या कोई भी बात रखी जाए, डीसी साहब को भी बुलाया जाए और सीपी साहब को भी बुलाया जाए और साथ में जो पीटी है रेवाड़ी वाला पीटी को भी बुलाया जाए क्योंकि NH8 का काम है। इन सबको बुला करके जब तक ये नहीं आए हमारे बावनी के प्रधान से रिक्वेस्ट है कि वो प्रधान जी उनको लगभग 1 घंटे का टाइम डीसी साहब को दिया था उनको भी सूचना देते पीटी को भी और सीपी साहब को भी क्योंकि ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो सीपी साहब देखते हैं। ये तीनों के तीनों आए और 1 घंटे के अंदर अंदर आए, नहीं तो फिर यहाँ इतने बुद्धिजीवी बैठे हैं जो शाम को भी बुला लिया जाएगा और वो भी अपने विचार रख देंगे, यही आज कोई फैसला लेकर के उठेंगे। ये जो भंडारा शुरू हुआ है ये भंडारा तभी रुकेगा जब इस बात का धरातल पर फैसला हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। यहाँ पे उपस्थित 108 जन की सरदारी को प्रणाम, मातृशक्ति को नमन। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सत्ता पक्ष का काम है काम करना और विपक्ष का काम है अगर सत्ता पक्ष काम ना करे तो उसे काम करवाना। और यहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष दोनों साथ में हैं। आप देखेंगे चाहे मेरी पार्टी के लोग हो सभी यहाँ उपस्थित हैं या बढ़ चढ़ के पूरे जनता उपस्थित है और एक ही हमारा मकसद है कि ये जो फ्लाईओवर है अगर कोई भी सड़क बनती है या फ्लाईओवर बनता है तो सबसे पहले उसके साथ सर्विस लेन
प्रोवाइड की जाती है, साथ में सड़क दी जाती है ताकि आम जनता की जो जिंदगी है आराम से गुजरे, आना जाना आराम से हो। तो इसका काम जो इतने सालों से रुका हुआ है, काम शुरू हुआ फिर रुक गया, परसाई आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं कराई गई अब तक। तो यहाँ हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इस पर जल्द से जल्द काम करें, क्योंकि जो हमारे सैनिक हैं पाकिस्तान से लड़ लेते हैं, चीन से लड़ लेते हैं, पर पिछले दिनों हमने देखा कि हमारे एक सैनिक के साथ भी क्या हुआ, और जब अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ पे एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कितने परिवारों के कितने लोगों ने जो है अपनी जान लगाई है, कितने सैनिक ने शहादत दी है। तो मेरा सब हम सब आपके साथ है, और ये हमारे इलाके की आवाज है कि जब तक इसका काम शुरू नहीं होगा हम पीछे नहीं हटेंगे, और इस बात को हम बढ़ चढ़ कर आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा बहुत अहम और गंभीर है। तो अभी 3-4 दिन पहले SDM साहब, DCP साहब, ACD, SHO बिलासपुर यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि भाई इस पंचायत को तुम रोक दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। मैं जी ठीक है, हम सब बोले ठीक है जी, आप यहाँ पर काम चालू करवाओ। तो उन्होंने यहाँ पर हाईवे पर आकर, आपने देखा होगा अखबार के माध्यम से फोटो भी आई, कि 48 घंटे में यहाँ पर दोनों लेन चालू कर देंगे। तो इस फ्लाईओवर के नाते 48 घंटे में जो हमारे को रोड के नाम का जो लॉलीपॉप दिया था, जो मीठी गोली दी गई थी, अब इस हाईवे का नाम का हमारे होगी अब जनता के सुगर। अब हम ये लॉलीपॉप और मीठी गोली नहीं लेंगे, क्योंकि उस मीठी गोली से हमारे और बीमारी पैदा होगी। मैं इस पंचायत के माध्यम से और यहाँ पे क्षेत्र की जनता में जो आप यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं, और प्रधान के माध्यम से ये आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस निर्णय का आगामी ऐसा निर्णय लिया जाए जो एक मिसाइल काम हो, और इस काम को तुरंत चालू कर दिया जाए। नहीं तो यहाँ पर जब जो अभी वक्ताओं ने बताया है कि भाई मान ले कोई ना कोई कठोर निर्णय लिया जाएगा, तो हम तो आपसे एक निवेदन करते हैं, भोरा कलाल एकता, और अब आप सबकी एकता से एक बार क्या 4 बार दोबारा यहाँ पर बुलाने का काम करेंगे। हम सब अपना काम भोरा कलाल के आसपास का इलाका छोड़कर इस महापंचायत में या कोई भी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मैं आप सबको इन्हीं बातों के कहता हूँ, अब समय नहीं है किसी प्रकार का गोली या कैप्सूल लेने का। जो भी निर्णय लिया जाए, दृढ़ निश्चय से लिया जाए, चाहे उसका हमारे को कोई भी खामी आकर भुगतना पड़े, हम उसके लिए तैयार है। जय हिंद जय भारत। पटौदी से अगर गुड़गांव 30 किलोमीटर जाना हो तो हमें 3 घंटे लगते हैं, और एक बात सही बताऊं तो हमारे बच्चों को रिश्ते करने में भी दिक्कत आ रही है, पटौदी के नाम से रिश्ते भी नहीं होते, और बच्चे जो सर्विस में जाते हैं बेचारे 6-3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के। जो ये पंचायत निर्णय लेगी पूरा पटौदी शहर उसके साथ है, और ये पटौदी शहर की तरफ से समर्थन पत्र भी है, और पटौदी शहर तन मन धन से हमेशा साथ रहेगा। जय हिंद। हमें कल भी परसों भी पंचायत की तरफ से ये कही गई थी कि कोई राजनीतिक बात ना हो। एक सांसद आए थे कुआ पूजन पे गांव भूट का केंद्र, और गांव के लोगों ने भूट का राठीवास और दिनोकरी के लोगों ने उनके सामने ये समस्या रखी थी कि भाई हमारा एक राठीवास का वो क्या नाम है अंडरपास है, और बिलासपुर चौक का, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं उसी ने मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आपने एक बंदिश लगाई है, कोई बात नहीं, कोई नहीं वो अपना पेड़ मार के रोक। और उन्होंने अपनी समस्या रखी थी बिलासपुर चौक की और राठीवास अंडरपास की, हमारे यहाँ बहुत दिक्कतें होती हैं, लगभग महीने में 10-15 एक्सीडेंट हो जाते हैं, और 10-15 दुर्घटनाओं में आदमी मरते हैं, बहुत बड़ी मानवीय क्षति भी होती है इससे। और पिछले दिनों तो आपने पता है राठीवास के एक सैनिक भाई की भी मृत्यु हुई एक्सीडेंट के अंदर। उन सांसद महोदय ने हमसे ये कहा कि मैं आपको 10-15 दिन के अंदर, मेरी बात सुनना दी,
उन्होंने कहा कि 10-15 दिन के अंदर मैं आपसे टेलीफोन पे बात करूंगा, आप यहाँ से 15-20 आदमी लेके और दिल्ली आना, मैं आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन से बात कराऊंगा। और उसी कड़ी में यहाँ से 10-15 आदमी भी गए, वो साथी कुछ लोग यहाँ बैठे भी होंगे जो गए थे वहां दिल्ली। और हम उन सांसद महोदय की अध्यक्षता में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के आरएस ख्यालिया चेयरमैन होते थे उस समय, वो भी हरियाणा के निवासी थे। जो आरएस ख्यालिया जो चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, वो भी हरियाणा के निवासी थे। उनसे हम मिले थे, कुछ रोहतक के लोग थे, कुछ यहाँ के लोग थे, कुछ रिवाड़ी के लोग थे, कई अंडर पास का मामला था। और वहां ये तय हुआ था, आरएस ख्यालिया जी ने ये कहा था कि मैं 15 दिन के अंदर आपकी एक कमेटी दे दूंगा, आप सर्वे करा देना, आपका ये अंडरपास भी और आपका ये फ्लाईओवर भी मंजूर समझो। हमारे कुछ साथियों ने, क्योंकि देसी आदमी है, हमारे कुछ साथियों ने एक बात ऐसी कह दी उनको कि उनको महसूस हुई। और वो साथियों ने क्या बात कही, उन्होंने जी हमारे गांव चाटों के हैं इसलिए मारो जो ना फ्लाईओवर बन रहे और ना मारो जो अंडरपास बन रहे। तो उन्होंने एक बात बड़ी, बहुत बड़ी बात कही थी चेयरमैन ने कि भाई फर्क मत समझो, या मैच मैच बीच में मैं इधर बैठा और थम परे में बैठे हो, मारे थारे में कोई फर्क नहीं है। बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, मेल मेल बीच में मैं इधर बैठा हूं, तुम इधर बैठे हो। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक अधिकारी भी वहां मौजूद था, उसने कहा था कि ये फ्लाईओवर बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं वहां से आता हूं, महेंद्रगढ़ का निवासी था वो आदमी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में। और वो टीम भी आई यहां 15 दिन पहले, लेकिन गलती हमसे भी हुई, क्योंकि जोश जोश में हो जाती है गलतियां। हम बाहर निकले तो फोटो खिंचवा कर दूसरे दिन अखबार में भेज दिया, क्योंकि एक सांसद के नेतृत्व में ये डेलीगेशन मिला था नेशनल हाईवे अथॉरिटी का और ये फैसला हुआ। अखबार में दूसरे दिन खबर छपकी और तीसरे दिन जो है ना राजनीति शुरू होगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, तीसरे दिन राजनीति शुरू हो, बाहर का एमपी आगे उड़े क्यों काम कर रहा हूं बाहर एमपी के छोड़ दो। तो मेरी आपसे यही विनती है, आज जो ये समूह इकट्ठा हुआ है, जितनी भी पंचायतें और सारे साथी इकट्ठे हुए, ये एकजुट होकर काम करेंगे, हम निश्चित तौर पे आपके साथ हैं। जहां आप जाओगे, जो आज की पंचायत फैसला लेगी, हम निश्चित तौर पे आप साथ हैं। आधी रात को 12 बजे भी आप ये कहोगे कि भाई वहां पहुंचना है, इतने आदमी लेके पहुंचना है, हम आपके साथ। और सही बात यह है कि जब ये नेशनल हाईवे का काम मंजूर हुआ तो मेरे ख्याल में 10 बार तो बंद हो गया काम। और यहां ये क्या कहते हैं, सर्विस रोड बनाने की बजाय सर्विस रोड को बंद करने का भी काम किया गया। आपको ध्यान होगा ये मेला जो ये क्या कहते हैं धर्मकांटा है, इसके पास से सर्विस रोड बंद कर दिया गया कि भाई इधर से लोग इधर से ना जाए, सुविधा ना मिले लोगों को। बड़ी समस्या होती है, रोजाना फैसला हो, हम 24 घंटे आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत। सभी वक्ताओं ने, हमारे सीनियर वक्ताओं ने आज जो बिलासपुर फ्लाईओवर की समस्या के बारे में, आज जो भोड़ा की बावड़ी ने और समस्त 108 गांव की सरदारी और दूर दराज से आए हुए लोगों ने आज जो यहाँ पंचायत में आने का काम किया, मैं पहले तो सबसे हाथ जोड़े नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। और सभी पंचायत में जितने भी भाई बैठे हैं, मैं आज जैसे भी हूँ यहाँ पर राजनीति का पहले कह दिया, राजनीति नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे पक्ष भी और विपक्ष भी और सभी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपने जो 12:30 बजे का डीसी साहब से टाइम दिया है, सबसे पहले मैं डीसी साहब से प्रार्थना करता हूँ, सीआईडी वाले भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि डीसी साहब को मैसेज किया जाए
कि 108 गांव की सरदारी यहां पर बैठी हुई है और जो समस्या है वो समस्या पूरे क्षेत्र की है, पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है। इस समस्या को समझकर डीसी साहब तुरंत पंचायत में आए और आकर के जो ज्ञापन या जो भी आगे की पंचायत लेने लगी पंचायत के बीच में बैठ करके डीसी साहब आश्वासन दे ये काम कब तक शुरू हो जाएगा। और नंबर दो बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप जो भी ज्ञापन तैयार करें, आपका बेटा आपका भाई, मैं डीसी साहब से भी और माननीय नितिन गडकरी जी के पास भी ये आपकी एक चिट्ठी जो ज्ञापन पहुंचाने का काम करूंगा। मैं काम की जिम्मेदारी तो अभी नहीं ले सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहता हूँ नितिन गडकरी जी के पास जो आपकी कमेटी के जो भी 10-11 सदस्य होंगे मैं टाइम लूंगा, चाहे सीएम साहब के माध्यम से लूं चाहे किसी भी माध्यम से, आपकी नितिन गडकरी तक आवाज जरूर पहुंचाई जाएगी, आपकी कमेटी की मीटिंग करा दी जाएगी। जय हिंद भारत माता की जय। जो भी भाई ने आश्वासन दिया ये आश्वासन हमारे विधायक ने और पहले दिया हुआ है, कृपया करके यहाँ कोई भी आदमी अपना नाम चमकाने का काम ना करे, अपना नाम चमकाने के लिए पंचायत करके। अरे आप तक आपको नहीं पता था लखन जी हाईवे जाम पड़ा है, प्रयोग नहीं पड़ रहा क्या? आपने आप पहले जनता पार्टी के सारी गडकरी से आपकी बातचीत है क्या? अपने इलाके के लिए करना चाहिए था तो, लेकिन फिर भी कोशिश यही है, फिर भी कोशिश नाम लेके ही ना करे कि मैं ये काम करा देता या करा दूंगा। क्या महापंचायत है, महापंचायत का समर्थन करना है आपको, फ्लाई ओवर बने नहीं तो मेरा इस्तीफा दे दीजिए कई बार तो हम आइए बात करिए। यार नेता के लिए मत दिखाओ, दो बात कहते उठ के जान नागराज, ये पंचायत है हमने चेहरा देखने के लिए ना बुलाए ये सरदारी, सबसे पहली बात ये है। अब चेहरा तो भाई हम अपने आप फोटो में देख लिया था, अखबार में देख लिया था, दो बात कहते उठ के जान नागराज, ये पंचायत से पंचायत का क्यों मजाक बनवा रहा? तो दूसरी बात, एक बात आई थी मेरा भाई ने कही एक ने, बिलासपुर चौक पे 4 दफा पहले इकट्ठा हो के पंचायत हो चुकी, पंचायत के माध्यम से डीसी साहब को भी NHI को भी अनेक जगह हमने पत्थर डाल चुके, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना सुनवाई होने के कारण हमने आज ये बड़ी मार पंचायत का आयोजन यहाँ बुलाया गया। भाई फैसला लो, अच्छा लो बुरा लो, ये 12 गांव कोई निर्णय नहीं लेगा, हम हमारा निर्णय तो सारा फेल हो चुका, ये निर्णय आप लोगा, और चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं भाई, हमने घोष निर्णय की जरूरत है। दो बात कहकर उठ उठ के जा रहा है, या कोई पंचायत है अपनी बात कह दी गई मीडिया में कह दी गए कहीं भी कह देता, यहाँ निर्णय के लिए बुलाया था ना कि चेहरा दिखाने के लिए, आपने मेरी बात सुनी सबका धन्यवाद। पंचायत तो है उठते जा रहा है, हमसे जेवरा तो गलत हो जाएगा, सरपंच बाकी हमारा हक नहीं है कहने का, ये कहेंगे प्रधान जी हमारे, हमारा हक नहीं है बारह का कहेंगे, हमने अपनी बात इनके सामने रख दी है, अब ये जाने क्या कर रहे हैं कि पूरे देश के कॉर्नर से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो NH 48 से ना निकलता हो, और आप सारे तो योद्धा है, और योद्धा एक एक मिनट में रण छोड़ के नहीं जाता, ये रण है इस काम को कराने के लिए, आप लोग मिनट में ना जाइए, ठीक बात है सरपंच साहब की, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ, जब तक आगामी कार्रवाई के लिए यहाँ की कमेटी ना बढ़ जाए, और मैं प्रशासन को फिर एक बार चेता रहा हूँ इस बात के लिए कि अगर 10 मिनट 12:30 बज चुके हैं, हमने डीसी साहब को टाइम दे लिया, समय दे लिया, डीसी साहब ने 20 दिन का प्रशासन को हम समय दे रहे हैं, अगर 20 दिन में प्रशासन नहीं इस बात से देता तो अगले 20 दिन बाद पूरे देश की महापंचायत 360 की अध्यक्षता में बिलासपुर चौक पर रखी जाएगी, और इस पंचायत का दोषी सिर्फ सिर्फ हमारा प्रशासन होगा। अरे तो मैं अर्जुन जी ने कही थी ना, हम करवा बात पर जितने भी पार्टी का नेता बैठे थे ना, एक नुकमा ना लिया टिकट, आज 307 की जमीन पर 400 की जमीन पर बहिष्कार कर देना, अगर चलो पक्ष से सबके लिए मैं आ जाओ उठा था।
खूबिया क्या भगवान खूबिया क्या चौक पे और बुलाओ अजब बात मनेगी भाई आना तो बहिष्कार एक तो करेगा अगर याद रहे तो दुनिया अपना अरबा लौटा की बावनी ने चावड़ के चौरा चीने पटोची चौरा चीने यो बहिष्कार करो अगर तो भाई रोतर भी फैलो इतने से उड़े आंदोलन अनशन कब न पड़े और सबसे पहले ज्यादा लाभ दियो मैं बैठूंगा यहाँ बैठे रहेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि आज से पहले जो हमारे नेशनल हाईवे पे बिलासपुर चौक पे फ्लाईओवर होना चाहिए था वो काफी समय से नहीं बन रहा पेंडिंग है और जैसे मेरे से पहले पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि अलग अलग ढंग से प्रयास हुए पर आज सब इकट्ठे महापंचायत के रूप में कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। ये समस्या ना किसी जाति की है ना किसी व्यक्ति की है क्योंकि ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का चौक है जो कि पूरे देश और प्रदेश के लोग यहाँ से गुजरते हैं पर सबसे ज़्यादा क्योंकि हमारे आसपास के गांव है उन पे इफेक्ट आता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि हम कल भी आपके साथ थे आज भी साथ हैं और आने वाले समय में जो भी पंचायत फैसला लेगी जैसे मेरे से पहले अध्यक्ष जी ने कहा भी अपने अपने तरफ से संकल्प लो तो मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं इस समस्या में मैं आपके साथ हर कदम पे साथ रहूँगा। धन्यवाद। 10 साल के करीब इसे हो गया सारे वक्ताओं ने जिस तरह से दुर्घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया निश्चित तौर पे सरकार के लिए ये इससे ज्यादा कोई गलत विषय नहीं हो सकता। जब सबसे मिले नितिन गडकरी जी से मिले माननीय सांसद या लगभग उजरते माननीय विधायक हमारे लेकिन अभी किसी की कान पे जू नहीं रहेगी। जिस प्रकार से आज यहाँ जन सैलाब इकट्ठा है आज आपकी ताकत और जिस प्रकार से बार बार पंचायत के माध्यम से अल्टीमेटम उपाय गुड़गांव को दिया जा रहा है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ये निश्चित तौर पर निंदाजनक है। मैं पंचायत के माध्यम से आप सबको कहना चाहता हूँ जब भी कोई पंचायत की तरफ से आपको बुलाया जाए किसी भी इस काम के लिए इसके साथ साथ इस प्रकार से राठीवास में अंडरपास का जिक्र हुआ ये बहुत बड़ी समस्या है और बिलासपुर में जिस तरह से पानी भरा है यह नरक बना दिया है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है और आप इस मुहिम में जहां मेरी ड्यूटी लगाएंगे निश्चित तौर पे आपके साथ हर वक्त हर कदम 24 घंटे मौजूद रहूंगा। जय होती है वो आप लोगों की होती है आप लोगों की होती है ना कि नेताओं की होती है। आप लोग सरकार को के भेजते हो तो अगर सरकार हर काम नहीं करती है तो सरकार समझो विफल है तो आपका अधिकार है तो सरकार को आप बदल दें। जो भी फैसला लेगी उसका मैं समर्थन करती हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि इस जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। आम समस्या नहीं है बहुत बड़ी समस्या है। हमारी माताएं बहनें रोड क्रॉस नहीं कर सकती कहीं बिलासपुर जाना है या पटौती जाना है या तारू जाना है ये बहुत दिक्कत की बात है। सुबह दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि छोटे छोटे शिशु है जो स्कूल जाते हैं पटौती भी जाते हैं तारू की तरफ भी जाते हैं बसों में दो दो घंटा जाम में बैठे रहते हैं छोटे बच्चे होने के नाते दो घंटा जाने में जाम लगता है दो आने में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 27 नवंबर 2014 को गडकरी जी बिलासपुर चौक पर आए थे और उसमें हम 100 आदमी थे यहाँ पर इकट्ठे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम 8 महीने में आप
का ये फ्लाईओवर हो। उसके बाद कोई बात नहीं, कैसे होता रहा कैसे नहीं, अब 8-9 मार्च 2023 की फिर मतदान आए थे और उन्होंने फिर आश्वासन दिया था और 6 महीने में बिलासपुर का फ्लाईओवर बना दिया। उसके बाद जो काम शुरू नहीं हुआ तो हमारे नेताजी इंद्रजीत जी पसगाव आए, मैंने उनको जब दिए थे तो रोकने माता जी हमने कौन रहे जो माता जी हमारे फ्लाईओवर का क्या रहेगा, तो बोले भाई अब ये एम्स का उद्घाटन है और उसके बाद आपका काम शुरू करा दिया। काम तो शुरू हुआ लेकिन उसको 10 दिन के बाद बंद कर दिया। हमने हमारे 12 नए गांव में सबने इकट्ठे होके हम डीसी से मिले, सीपी साहब से मिले, डीसीपी साहब से मिले और फिर एनएचआई के जयपुर भी मिले और यादवपुर गांव इनका ऑफिस है वहां भी मिले। लेकिन हमारी बात को चिट्ठी पर दस्तक करते हैं राकेंद्र सरकार ने, चिट्ठी पर दस्तक करते हैं राकेंद्र सरकार ने और उनका कॉन्ट्रेक्टर से जब हमने 4 दिन पहले बात की तो बोला भाई जो जानो वो कर लियो। तो इसलिए जब आखिरी में हम थक गए थे तो हमने प्रधान जी के यहाँ अपनी दरखास्त लगाई मगर प्रधान जी हम आ चुके थे और आप हमारा काम न संभालो, तो प्रधान जी ने भाई जो वीडियो उठाया इसका लाख लाख धन्यवाद। अब सुरों के चक्कर काट काट के तो सारे थक लिए, अब समाधान यहाँ होगा। कौन गया हम आपके साथ हैं तन मन धन से, जिला परिषद हमारे पार्षद आपकी अपनी जिला परिषद की चेयरमैन दीपाली चौधरी वो आपके साथ है, जहाँ पहुंचे वहाँ खड़े हुए। ये कागज की तुम्हारा फॉर्म पास हो चुका है, हम यहाँ के नॉर्मल जो समाज के लोग हैं सबने दिल्ली का रास्ता अपना पता जी, हम भ्रमित हो गए बस हम ट्विटर पे, अगर मीडिया वालों को इसकी वीडियो चाहिए तो मैं दूंगा। 21 जुलाई 2021 को हमने सबको बधाई दे दी, नंबर दो वाक्य जी लाठीवास गांव में एक शहीद हुआ यहीं पर एक्सीडेंट होकर लाठीवास मोड़ पर, जनाब एक बार ध्यान देना प्लीज, लाठीवास मोड़ पर संजीव नाम का एक युवक जो कि फौज में था शहीद हुआ, उसका बेटा उसके अंदर 40 फ्रैक्चर, उसके बेटे के शरीर के अंदर 40 फ्रैक्चर थे जी। लाठीवास भूलगा दिनोखी तीनों गांव लाठीवास मोड़ पर आए शांतिपूर्ण धरना देने, दर्शक शांतिपूर्ण धरना करने के बाद में प्रशासन वहां पे मौजूद हुआ, मौजूद होने के बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपका यहाँ काम होगा। ये जो बात कह रहा हूँ ये आप सब ध्यान करना युवा साथियों, झूठे आश्वासन है, जहां से त्वचा पत्र उठाकर और उन बंदों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया 164 नंबर एफ आई आर विभिन्न धाराओं के खिलाफ 15/5/2024 को, जो ये झूठे आश्वासन अभी जो डीसी साहब है उस समय एसडीएम गुड़गांव मौजूद था राठीवास रोड पर, शांतिपूर्ण धरना था, सारी चीज शांतिपूर्ण थी, फिर भी मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ, जो भी कोई फैसला ले स्ट्रिक्ट ले और जो लापरवाही है प्रशासन की वो आपके सामने डेढ़ घंटे से आपके सामने आ चुकी है, कोई भी सरकार का आदमी हमारे बीच में नहीं आया, आपसे अनुरोध है सख्त से सख्त कार्रवाई करके और इस काम को हमारे कराए। धन्यवाद। इतना बढ़िया निर्णय लिया आपने कि आप जो खोड़ गांव ने जो निर्णय लिया उन्होंने अपना एक प्रयत्न बना दिया, चौड़ा गांव ने अपना गांव मार्केट कमेटी से बाहर निकलवा लिया, वो उनकी एकता का परिणाम था जी वो, और कुछ अगर अपने ना चले तो खोड़ गांव ने और जोड़ा गांव का अपने साथ उठा लो, खोड़ गांव तो बैठे है जोड़ा ना उठा लो, तो फिर सारा गांव एक साथ आ गए तो आपको काम हो गए और सारे काम जन समर्थन से होते हैं। और विधायक तो तीन तीन वर्तमान ये पूर्व विधायक बैठे है, विधायक से काम नहीं चलोगे तो जन समाज से काम चलोगे। जय ओके, हमने निर्णय नीली आई इतने साल हो लिए फ्लाईओवर की बन रहा है आज तक बना नहीं बना, अरे एक साथ इकट्ठे होंगे ना सारी बिरादरी एक साथ इकट्ठा होगी, ना कोई जाट की ना कोई राजपूत की ना अहीर की ना किसी ऐसी समाज की, ये सबका काम है, सबको यहाँ पे करना पड़ता है, भाषण बाजी से कुछ नहीं होना,
एक साथ इकट्ठा होके बुलाया और डीसी साहब को बुलाया तो डीसी साहब को ही बुलाओ, कोई किसी अन्य कभी किसी और को एसडीएम को मत भेजो। कमेटी अपना निर्णय बनाए, जो लेना वो ले, ज्यादा वेट करोगे उतने ही परेशान करेंगे प्रशासन आपको। जो अध्यक्ष साहब आप अपना कमेटी से निर्णय बनाए, जो आप लोगों ने अपने प्वाइंट रखे प्वाइंट इकट्ठा करे, तो 5 मिनट की और 10 मिनट ले लो आप और जो भी है निर्णय लो आप। जब तक निर्णय ले रहे जनता कम हो रही है, बढ़ ना रही। कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ कर देना, आप अपनी तरफ से मैं कोई गलती नहीं करूंगी। जो आज ये महापंचायत हुई है, इस महापंचायत को मैं भी समर्थन देने आई हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ, कंधा से कंधा मिला के चलूंगी। और कहते हैं कि मुन्ना की दौड़ मस्जिद तक, मेरी दौड़ राम इंद्रजीत तक है। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो बता देना, अगर नहीं लगे तो मेरे को माफ कर देना। मैं जी आज आपके बीच में खड़ी हूँ कि आप कमेटी बना लो राम इंद्रजीत सिंह से कैम लेके, उन तक तो मैं लेके चल सकती हूँ। कार्रवाई ना हो और व्यवस्था बनी रहे,
तो ये अपनी बात एक बार इनकी भी सुन ले, तो फिर अपनी जो भी है पंचायत की आप सभी की उसको रखेंगे आगे के लिए। थोड़ा सा धैर्य रखो, तहसीलदार साहब आए हैं ये सिर्फ ये बताने के लिए कि डीसी साहब यहाँ पर नहीं, लेकिन एसडीएम दोनों यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये खुद कोई मतलब वो करने के लिए नहीं, ये बताने के लिए, आप मैसेज सूचना के लिए। और हमारे अधिकारीगण से एक बात है कि अगर ये क्षेत्र की सरदारी कहे कि डीसी साहब का इंतजार चाहिए, तो क्षेत्र कभी अधिकारियों का इंतजार नहीं करता। पंचायत में भी हम इंतजार किस बात का करें? 12:30 बजे की हमने कह दी थी डीसी साहब नहीं आते, तो हम आगामी कार्रवाई करेंगे, कोई एसडीएम साहब से बात नहीं करनी। हमारे एसडीएम साहब दर्शन यादव जी साहब परसों आए थे 48 घंटे के लिए, हमें कह के गए थे कि भाई 48 घंटे में दोनों लाइनें रोड की सुचारू हो जाएंगी, 3 लाइन इस साइड, 3 लाइन उस तरफ, उसके बाद 1 सर्विस लाइन इस तरफ, 1 सर्विस लाइन वहां। उसमें हमने ये ऐड करा था जी, उसी के साथ एक यू ट्रेन और दे 2 इलाकों को छोटी गाड़ियों का। हम बड़ी गाड़ियों की नहीं करे, जब तक फ्लाईओवर ना बने तब तक एक यू ट्रेन दे दो बिलासपुर चौक पे दोनों साइड, और 3 लाइन इधर, 1 सर्विस लाइन वहां, 1 सर्विस लाइन प्रशासन दे रहा था। हमने ये कहा था कि 3-3 लाइन ये, और जो सर्विस लाइन आप दे रहे हो जितनी जगह बस्ती है उसको पक्का कर दो, इतने काम चल जाएगा। तो एसडीएम साहब की एक बार दो बात हम सुन ले, और पंचायत को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से करें ताकि आवाज हमारी पूरे देश दुनिया तक जाए, क्योंकि यहाँ तक सभी बड़े चैनल हैं आपकी आवाज दूर तक पहुँचाने के लिए। ये तो दिखावे के लिए खड़ी है, मुख्यमंत्री चलोगे तो काम से हम इनके लिए एक दिन से बड़ा काम नहीं है, 500 मीटर का तो लेन बना रहा है, वो लेन वाली समस्या होगी अभी, और डाइवर्जन पे काम चल रहा है किया। और जहाँ तक इन्होंने बताया भी छोटी गाड़ियों का जो छोटा कंप्यूटर देना है उसमें भी हमें कोई खास आपत्ति नहीं है, एक बार ट्रैफिक यहाँ से जैसे 4 चैनल चल पड़ेंगे स्मूथ हो जाएगा, तो हम बीच में चला के देख लेंगे, अगर उससे ट्रैफिक में बात नहीं आती है तो वो भी अभी चला के टाइम आपके सामने ही देंगे, कोई बात नहीं पीछे नहीं करेंगे। आप सभी एक बार शांति बनाए, हमारी सुबह से एक मांग थी पूरी पंचायत की कि डीसी साहब आए, और डीसी साहब को नितिन गडकरी के गडकरी जी के नाम से हमें ज्ञापन देना चाहते, और हमारे को हवाला दिया गया कि भाई धारा 144 लगी हुई है उसमें डीसी साहब नहीं आ सकते। देखो जी आपसे निवेदन था हमारा, अगर डीसी साहब नहीं आ रहे हैं पंचायत में, आप देख रहे हो ये क्षेत्र कोई राजनीतिक पार्टियों की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो हर आए दिन यहाँ पे परेशान है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बीच में अपने भाई अपने भतीजे को फोड़ने का काम कर लिया। जीवन एक बार मिलता है, वो जीवन कभी वापस नहीं आ सकता। एसडीएम साहब हमारी तो एक मांग ये भी है कि जितने भी भाइयों का हादसा यहाँ पे हुआ है उनके हादसे का जो मुकदमा है वो एनएचएआई पर लगाया जाए, क्योंकि उनका दोषी एनएचएआई है। सबसे पहले बात है जी, डीसी साहब अगर नहीं आते हैं तो हम अगली पंचायत के लिए इस बात को काम करेंगे। सबकी सहमति हमारी कमेटी की ये है, क्योंकि सुबह से पूरा इलाका डीसी साहब की वेट कर रहा है।
और डीसी साहब ही जब समाज को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समाज भी डीसी साहब को क्या समझे, आप ये बताओ। कारण है उसका एक, क्योंकि ये जो क्षेत्र के लोग हैं ये सबसे ज्यादा दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुखी हमारे प्रशासन के लोग भी हैं। तो आपसे निवेदन था हमारा सुबह से कि डीसी साहब को एक बार बुलाते हैं, हम अपनी बात रख दें। अगर डीसी साहब ये कहते भाई मुझे नहीं आना, क्योंकि इतने अधिकारियों के आश्वासन से इन लोगों का पेटा भर चुका है। देखो पेटे वाली बात नहीं, काम हो रहा है, नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है। भाई शांति बनाओ एक बार, जब पंचायत शुरू हुई तो हम डीसीपी साहब के ऑफिस गए, वहां पर मानेसर के अंदर, वहां पे अपने हमने बात रखी कि भाई हमारा ये काम कर दे। हमने कमेटी से सुझाव लिया और हमें कमेटी के साथ डीसीपी साहब के ऑफिस गए, वहां पे हमने अपनी बात रखी। अपनी बात रखने के बाद हमने कहा कि जी जो रोड है बिलासपुर चौक, जितनी उसकी चौड़ाई है, जितना गवर्नमेंट ने मुआवजा दे दिया है, उस सारे चौक को खाली कराकर चार लाइन इधर और चार लाइन इस साइड में, और उसके बाद जितना रोड बच जाता है उसको पक्का कर दो और बिलासपुर चौक पे की यूटर्न दे दो। तो प्रशासन ने जब 48 घंटे का हमें बिलासपुर चौक पर बुलाकर कहा कि भाई हम NHAI को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं और 48 घंटे में आपको तीन लाइन दोनों तरफ तीन तीन लाइन और एक सर्विस लाइन हम बनवा देंगे और उसके साथ में हम एक यू ट्रेन भी खुलवा देंगे, और जो फ्लाईओवर का काम रुका हुआ है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रुका था, उसका जल्द से जल्द जो टाइम हम बाउंड कर पाएंगे वो टाइम बाउंड करके हम इस काम को जल्द से जल्द करने का काम करेंगे। ये प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन के साथ हमें काम भी मिला है, काम वहाँ पे हो रहा है। अगर किसी भाई ने देखा हो हमारे इस बात के चौक पे सबसे ज्यादा हमारे मास्टर जी रहते हैं महावीर जी, वो बताते हैं अगर काम हो रहा है तो फिर हमारी बात पूरी हो रही है, तो आगे के लिए कोई बात नहीं तो आने वाली 8 तारीख को एक संडे छोड़कर अगले संडे तक अगर ये काम नहीं हमारा पूरा होता है कट का और सर्विस लाइन का और पूरा जो भी कब्जा है छोटा ही यूक्रेन छोटी गाड़ियों के लिए, अगर ये नहीं होता है तो हम चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान जी की 360 की अध्यक्षता में मिलकर फिर ये ज्ञापन जो हम डीसी साहब को अभी नहीं दे रहे, जब प्रशासन नहीं आएगा हमारे पास तो ये ज्ञापन हम नहीं दे रहे हैं, SDM साहब को भी नहीं दे रहे हैं। और हम अगली 8 तारीख का हम महापंचायत देश की पंचायत 360 की अध्यक्षता में हम रखने का काम कर ले भाई, अगर काम नहीं होता है तो समर्थन बताओ भाई। फ्लाईओवर का काम है, फ्लाईओवर का, फ्लाईओवर चौक पे फ्लाईओवर का पूरी पंचायत हम चौक पे रखेंगे, अगर काम नहीं होता है तो ठीक है। बताओ जी सबकी शांति है, शांति बनाओ। SDM साहब से मैं विनती है, SDM साहब आप ये काम करा दीजिए, आपने कहा था एक हफ्ते में जितना भी कब्जा है साइड में जी, कट की बात तो होगी लेकिन फ्लाईओवर का काम कब शुरू हो रहा है? मैंने NHAI को बोला है कि आप एक महीने में इसको जो पुराना बंदा है इसको फेंको और नए गोलोट करके काम शुरू करवा देने का, तो वो लेन का तो अभी करवा देंगे और महीने के अंदर इनका वो स्टार्ट करवा देंगे। SDM साहब हेलो, एक मिनट भाई सुनो, SDM साहब
नहीं आ सकते हैं तो जनता की आवाज है कि आप मान नहीं रहे ना जी, सबकी आवाज ये है कि हमने अपन डीसी साहब को देना। सुबह से यही बात चल रही, कल से यही बात चल रही और डीसी साहब नहीं आ रहे हैं, उस बात का एक थोड़ा बोल देखो जी। एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है हमारी कि जो ये पब्लिक इकट्ठी हो रही है एसडीएम के भरोसे पे बिल्कुल कोई मानने वाला नहीं है। एक मिनट देखो एसडीएम साहब, डीसी साहब इस पब्लिक से बड़े नहीं है। हमारी सुविधा के लिए आपको अधिकारी लगाया गया है। हम सब इतने तंग है, नरक में जीवन जी रहे हैं। आप लोगों की एक ड्यूटी बढ़ती है कि आप हमारी मांग को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान करें। क्या हमने आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि डीसी साहब आए, सीपी साहब आए और पीटीआई जो एनएचएआई का है, तब इसका समाधान हो सकता है, अन्यथा इसका कोई समाधान नहीं होगा। आज एसडीएम साहब हमें भरोसा देकर चले जाएंगे और इसका समाधान नहीं होगा, ना पानी का समाधान हुआ अब तक। एक मिनट भाई, हमें एक बात से पता चला है कि डीसी साहब छुट्टी पे है। ठीक है, डीसी साहब छुट्टी पे है तो एडीसी साहब आ जाए। डीसी साहब छुट्टी पे है बता रहे हैं कि डीसी साहब छुट्टी पे है तो एडीसी साहब आ जाए। भाई साहब, डीसी अगर डीसी साहब छुट्टी पे है तो एडीसी साहब उनकी ड्यूटी संभालते हैं तो एडीसी साहब आ जाए। इन्होंने आश्वासन दिया था सर्विस लाइन का काम हो रहा है। शाम को काम बंद, आप लोगों को सबको पता है, एनएचआई का आदमी आए, एसडीएम साहब का तो ये लेवल भी नहीं है। बिलासपुर चौक पे कहेंगे कि पानी निकलवा दो, पानी नहीं निकला इन लोगों से। जिससे नहीं हो रहा काम यार, वो दो साल से आपको तल कर रखा है साथ में, उसको सर पर लेको हटा के दूसरा लेके उससे करवाएंगे। तो आप वो बात बोल रहे कि ऐसा कोर्ट में कितना कोर्ट कर। देखिए अभी एक बार शांति से सुन लो, पंचायत जो आदेश करेगी सभी की सहमति से वो ही आदेश होगा। जल्दबाजी मत करो, मैंने शुरू में भी कहा था ठंडा करके खाओ। मेरी एक आपसे बात है क-
कि पहले बात तो मेरी अभी सरपंच साहब ने डीसी साहब से बात कराई है, वो कह रहे हैं जी मैं बच्चों के साथ छुट्टी पे गया हुआ हूँ, और मैंने उनको कहा जी एडीसी साहब के बिना पंचायत नहीं मान रही, आपकी जगह जिनकी भी ड्यूटी आप उनको भेजो, तो वो एडीसी साहब को भेज रहे हैं अभी। बहुत बढ़िया, बहुत सबसे बड़ी बात है एडीसी साहब आपके बीच में आ रहे हैं, शांति बना के रखो। दूसरी बात, एक और बात सुनिए, अभी बात चल रही थी भाई, ओ भाई शांति से बैठ जाओ, कतई बर्दाश्त नहीं है ये बात थारी, अपनी शांति बनाए रखो, सारा ऐसे मत करो, ऐसे अगर करो तो वॉलंटियर का है भाई, जो फालतू वाले साइड करो बात, एक एक आदमी को जवाब थोड़ी ना होगा, पंचायत में पंचायत का तरीका से चलाओ, हमारा बुजुर्ग बैठा है उनने इतना साथ देखी है, अब NHAI का जो भी मैनेजर है वो भी आ रहा है, ADC साहब भी आ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं SDM साहब की बात, SDM साहब थे, DCP साहब थे, जब 48 घंटे की बात रखी गई थी, तो अभी 36 घंटे हुए हैं, हमारे पास पूरा टाइम है, गुरुजी काम चल रहा है नहीं चल रहा, ये बिलासपुर गांव के पूरे टाइम धर्म काटा है इनका और वहीं पे रहते हैं। जो लाइन है वो हमारे चौक तक तो इन्होंने तय करी थी, वो कर दी, बाकी भी अभी ये शुरू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो एक आगे की बात है, अभी तक बिलासपुर चौक से सिटोला की तरफ से यहाँ भी जुड़ना था, वो इन्होंने काम कर ऐसा है जी, जितनी बात ये हो रही है काम करने की, फ्लाईओवर कोई एक हफ्ते में तो बनेगा नहीं, समय लगेगा, अब जो हमारी मांग थी कि दोनों साइड जो भी अवैध कब्जा है उसको हटवा के दोनों साइड चार चार लाइन और बाकी बचे हुए रोड की सर्विस लाइन, ये बात पहली बात। दूसरी बात, ADC साहब हमें बताएं कि भाई ठेकेदार इतने दिन में काम कर देगा, हाँ ये मांग, ये मांग मैंने NHAI से जितना भी रोड एक्वायर हुआ है, रोड के जमीन उसका नक्शा मंगवा रखा है, और इसको तो आप जो अगली तारीख बता रहे ना, अगली बार कौन सा ओकेशन चार्ज प्रोग्राम करोगे, उससे पहले पहले आपके सामने हो जाएगा ये, हाँ वो पेमेंट भी हो चुकी है, दोबारा चूना डलवा के पूरे गांव को दिखाने के लिए इतना है, एक बार मौका देंगे अपने आप अपना कर लो, नहीं तो काला रोड बनवाना जी, काला रोड आपके बीच में काम के समाधान के लिए, मैं बिलासपुर गांव का फिर धन्यवाद करता हूं, 10-15 लाख रुपए लगा के आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की है, तो इस काम के समाधान के लिए की है, अगर कोई एक आदमी आवेश में आके गलत बोल के यहाँ चला जाए तो पंचायत व्यवस्था खराब होती है, और ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, हम बैठे हैं यहाँ समाधान के लिए शांतिपूर्वक, धन्यवाद, अगर शांतिपूर्वक समाधान नहीं होता है तो उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रधान जी के अध्यक्ष में जो निर्णय लिया जाएगा उस पर हम सभी कायम रहेंगे। साहब जी कह रहे हैं मैंने अभी तक जो भी वादा कराया था वो पूरा कराया है और आगे भी करूंगा। आज का जो महापंचायत का आयोजन था, वो महापंचायत का आयोजन जो काफ़ी समय से एक हमारा क्षेत्र परेशानी झेल रहा, बिलासपुर फ्लाईओवर NH 48 ये नहीं बन पा रहा है, NHAI का जो ठेकेदार है वो बहुत ज़्यादा लापरवाही बरत रहा था, और ये यहाँ पे इतने गड्ढे हो चुके थे कि आए दिन रोज़ हादसे हो रहे थे, रोज़ इतना भयंकर जाम था कि भाई लगभग आदमी 3-3 घंटे जाम में फंस कर निकल रहा था, और स्कूल के बच्चे जो स्कूल 8 बजे का था वो 9:30, 10, 11, 11:30 तक बच्चे स्कूल में पहुंच रहे थे, दो घंटे के जाम में बच्चे स्कूल में पहुंच रहे थे, और हमें एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए लगभग हमें 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, बिलासपुर है और उस साइड में जाना है तो जैसे रावली होके घूम के आना पड़ेगा या पचगाँव होके घूम के आना पड़ेगा, इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र में रोष था और उसके लिए महापंचायत का आयोजन करा, जिसकी अध्यक्षता पंचायत ने, मैं राजेश चौहान भोड़ा बावनी प्रधान, मैंने इसकी अध्यक्षता करी, पंचायत ने मुझे अध्यक्षता सौंपी, और मैंने प्रशासन से सभी पंचायत के और कमेटी के सुझाव लेकर एक बात रखी कि भाई एक तो जो हमारा हाईवे है NH 40 जब तक फ्लाईओवर का काम नहीं होता है तो उसके साइड में दोनों तरफ चार चार पट्टियाँ आने और जाने के लिए, चार पट्टी आने के लिए, चार पट्टी जाने के लिए,
उसके साइड में जितना जमीन NH-48 की रिक्वायरमेंट करी हुई जमीन जो बस्ती है टोटल, उस पर उसको पक्का कर दिया जाए, वो सर्विस लाइन के यूज में हो जाएगी। और बिलासपुर गांव के लिए फ्लाईओवर फुट ओवर ब्रिज की, और राठीवास गांव में अंडरपास के लिए, और जो भी इलाके की और भी समस्याएं थी उससे हमने प्रशासन को अवगत कराया। और डीसी साहब कहीं बाहर होने के कारण उन्होंने SDM साहब मानेसर और SDM साहब पटौदी को भेजा, और उनको हमने नितिन गडकरी जी जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मंत्री हैं सड़क परिवहन के, उनको उनके नाम हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है कि उनको जो भी हमारी क्षेत्र की NH-48 की समस्या है वो उनसे अवगत कराने के लिए, उनको जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए। और हमारी SDM साहब ने कहा है कि भी एक महीने में जब ये काम हो जाएगा उससे एक महीने के अंदर हम फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू करा देंगे, और एक महीने में हम राठीवास में अंडरपास बनवाएंगे। फ्लाईओवर पर रोज एक्सीडेंट है, वहाँ उस दिन हमारे गांव का एक भांडा एक्सीडेंट हुआ था, हम तो वहाँ पे दाग में थे। तो जैसे ही पता लगा, दूसरी मीटिंग 15 अगस्त की रखी, तो 15 अगस्त में मैंने निर्णय लिया भाई ये बहुत ही सख्त जरूरत है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो उसी दिन 65 गाँव के सरपंच बुला लिए और एक पंचायत भोड़ा कला में रख दी। उस भोड़ा कला की पंचायत में आज की पंचायत के लिए निर्णय हुआ, जो आज महापंचायत थी इसमें SDM साहब ने कह दिया भाई मैं 10 दिन के अंदर ये चार पट्टी का, दोनों साइड चार चार पट्टी का रोड बना देंगे और घुमाव बना देंगे यूटर्न, अगर फिर भी अगर नहीं बना तो हमने कह दिया भाई आने वाली 8 तारीख को यहाँ महापंचायत मेन रोड के ऊपर भी अगर ये काम पूरा नहीं, पूरे देश की 360 जो महेंद्र सिंह ठाकरान की अध्यक्षता में होगी और वो मेन रोड पे ही होगी अगर ये काम नहीं किया, आने वाली 8 तारीख। आज इस महापंचायत में ये निर्णय लिया गया, अगर 8 तारीख तक फ्लाईओवर व दोनों साइड की लेने अगर नहीं सुचारू रूप से चालू करते हैं तो आने वाले 8 तारीख को एक महापंचायत 360 गांव की पंचायत होगी, जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या किया जाएगा। और हम तो यही कहते हैं कि आने वाले टाइम में यह निर्णय लिया जाए कि बहुत कठोर से कठोर निर्णय लिया जाए जिससे आने वाली समस्याओं का कोई समाधान निकाला जा सके। आज कमेटी बनाने की जो बात हुई थी तो कमेटी आज बनाई गई है? हाँ, कमेटी बनाई गई है, कुछों का नाम आज ले लिया गया है। और वहाँ पर हमारे भावनी प्रधान ने यह कहा है कि गांव में जा जाकर हर गांव से 5-5 आदमी लिए जाएंगे, चाहे उसमें 200 आदमी इकट्ठे हो चाहे उसमें 500 आदमी हो, और इस मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। कमेटी कब तक बनकर तैयार होगी? ये कमेटी 10 दिन के अंदर अंदर हम बना के तैयार कर देंगे, इसके बाद सबको अवगत करवा दिया जाएगा। पहले अपना परिचय बताओगे? मैं एक्स सर्विसमैन जितेंद्र चौहान रमन घोड़ा कला से। तो ये जो बिलासपुर चौक है सबसे बेस्ट हो रहा है, और जो NH-8 यहाँ से अपलोड कर रहा है उसको पुराना शहर होटल के लिए जो रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग ये कहेगी इसको क्रॉस कर रहा है, और यहाँ 135 गांव और 135 के सभी जो गांव है खासकर व्यापारीगढ़ उनकी कहेगी ये एक लाइफ लाइन है जो कि बिल्कुल ही ठप पड़ी हुई थी। तो प्रशासन ने पता नहीं क्या सोच के, प्रशासन ने सरकार ने क्या सोच के, और ये 10 साल पहले ही बन जाना चाहिए था, जो कि इसका काम अधूरा लटका हुआ पड़ा है। और इस जो ज़रूरत नहीं थी जिसकी वो फ्लाईओवर पहले बना दिए, और इसका काम बीच में ही लटका पड़ा हुआ है। अब ये पूरी जनता जाग गई है, अब देखो आगे का क्या है, क्या समाधान समापन हुआ वो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? देखो शुरुआत तो जब आदमी ज़्यादा परेशान होता है तो करनी तो पड़ती है, और इससे हमारा इलाका बहुत ज़्यादा परेशान था, इसको हम काफ़ी दिन से देख रहे थे, लेकिन सरकार के दिमाग में कोई बात थी, उन्होंने तो सोच रखा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, जो मन मर्जी उन्होंने कर दिया वही मान लिया। अब लोगों में इस चीज़ का जो ये 20 दिन 15 दिन महीने गए इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेजरी हुई, बहुत ज़्यादा जाम रहा बिल्कुल रोड, तो उससे लोग ज़्यादा परेशान, हमारे भी दिमाग में आए कि भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जब भी कुछ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने मिल के प्लानिंग करी और फिर हमने इस महापंचायत का आया। इस महापंचायत में आज हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, तो जो सवाल वो लेकर आए थे क्या समाधान लेकर के गए?
देखो लोगों ने जो साथ दिया उनके लिए मैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि ये पंचायत महापंचायत नहीं, ये देसोरी पंचायत के बराबर। पंचायत आपको कैसी लगी जी? सही, ठीक है, ये होनी चाहिए थी क्योंकि लोग बाग बहुत परेशान हैं। हम पंचायत का समर्थन करते हैं, हम लोगों के साथ हैं, बस यही कहना चाहते हैं कि इसका समाधान हो। लोग बाग बहुत परेशान हैं, पानी का निकासी सही नहीं है, रोड टूटे पड़े हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसका समाधान हो जाता अच्छा। राजनीति हम करेंगे नहीं, हाँ पंचायत का समर्थन। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।